हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके अपनी अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ्स के करंट अफेयर्स की टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो जुलाई मंथ में बनेंगे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे प्लस 50 क्वेश्चन प्लस उसके बारे में डिटेल वाइज जो भी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड हुई हैं वो सभी के सभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर का सीरीज हर मंथली वाइज आएगा। ठीक है, हर मंथ का एक बार टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जुलाई मंथ का, इसके बाद अगले बार जो है अगस्त का आएगा। और इस तरीके से करते करते फिर जब 6 मंथ हो जाएंगे तो पूरे 6 मंथ का जो है कंप्लीट करके एक साथ जो है आपको इसका करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ पर जो है नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया ओखा गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश, सूरत गुजरात या फिर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ओखा गुजरात। ओखा गुजरात में हाल ही में जो है तटीय पुलिसिंग नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग या फिर तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय अकादमी के परिसर का शिलान्यास किया गया है। और इसके बारे में अगर हम डिटेल से देखें तो NACP, ठीक है, यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग इसका फुल फॉर्म है। ये पहली राष्ट्रीय अकादमी होगी जो तट रेखा के प्रभावी ढंग को सुरक्षा करने के लिए पुलिस बलों को प्रशिक्षित करती है। 2018 में जो है गुजरात मत्स्य अनुसंधान केंद्र के परिसर में ये इसने काम करना शुरू कर दिया था और ये 9 तटीय राज्य और 5 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के जो है साथ साथ केंद्रीय पुलिस बलों के प्रशिक्षण के लिए जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अकादमी का प्राथमिक उद्देश्य जो होगा वो तटीय पुलिस कर्मियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना है। ये अकादमी विभिन्न तटीय सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण संस्थान के रूप में काम करेगी। गौरतलब है कि तटीय पुलिसिंग के राष्ट्रीय अकादमी भारतीय नौसेना, तटरक्षक, समुद्री पुलिस और अन्य संबंधित संगठनों सहित तटीय सुरक्षा में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग के समन्वय की सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत जो है कब से किया है। ठीक है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान जो है मेगा अभियान है, इसकी शुरुआत जो है कब से किया गया है। तो ये 15 मई 2023 को शुरुआत किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 15 मई 2023 को। ठीक है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के बारे में जाने, तो इसके तहत जो है केंद्र सरकार अप्रयुक्त या उपयोग किए गए प्लास्टिक के सामान, कपड़े, जूते, किताबें और खिलौने स्वीकार किए जाएंगे और इसमें नागरिक RRR यानी कि रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस केंद्रों पर जो है इस्तेमाल किए गए कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने और प्लास्टिक जो है चीज़ें दान कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो लाइफ मिशन को 20 अक्टूबर 2022 को जो है केवड़िया गुजरात से लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, और यह अभियान SBM U 2.0 के तहत जो है नागरिकों के संकल्प को मजबूत करेगा और मिशन लाइफ के उद्देश्य को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है सरल कार्रवाई योग्य कदमों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन लाना। तो इस तरीके से ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास को और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर में कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला का आयोजन किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला का आयोजन कितने जिलों में किया गया है पूरे देश भर में, ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला यानी कि PM नाम, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में PM नाम, शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, PM नाम, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला, और यह शुरुआत किया गया 200 जिलों में। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 200 जिला। ठीक है, PM नाम का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ठीक है, अप्रेंटिसशिप मेला। ठीक है, अप्रेंटिसशिप मेला ये इसका फुल फॉर्म है और पूरे देश में हर महीने के दूसरे सोमवार को जो है आयोजित किया जाता है। कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 की उत्तीर्ण होने के साथ ही कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और ITI धारक प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा या फिर स्नातक हैं वह सभी जो है इसके आवेदन के पात्र हैं। ठीक है, इसके अलावा शिक्षता मेला पूरे देश भर में हर महीने जो है दूसरे
सोमवार को आयोजित किया था। यह इम्पॉर्टेंट है, इन मेलों में चयनित व्यक्तियों को शिक्षिता के अवसरों की पेशकश की जाती है, जिसके दौरान इन नए कौशल हासिल करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक वजीफा भी प्रदान किया जाता है। तो पीएम नाम नाम याद रखिएगा, 200 जिलों में जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन गया है महाराष्ट्र। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर क्या, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट है। ठीक है, और ये जो है अगर हम बात करें तो इन नियमों का उद्देश्य राज्य में प्रशासन जवाबदेही, ठीक है, जवाबदेही और पहुंच, ठीक है, जवाबदेही और पहुंच, इसके अलावा गतिशीलता गतिशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। ठीक है, पारदर्शिता को जो है बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें इसके तहत किया जाता है जाएगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए जो है एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नागरिकों की शिकायतों की त्वरित गति से निवारण किया जाएगा इसके तहत। नियमों को विकसित करने का मुख्यमंत्री का निर्देश पिछले साल सितंबर में किया गया था। सुशासन के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए 161 जो है विभाग वार सूचकांक जो भी तैयार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? ठीक है, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कब हुआ, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 22 मई 2023 को जो है इसका आंसर हो जाएगा, 22 मई 2023 को इसका आयोजन हुआ, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भारत प्रशांत जो है द्वीप समूह सहयोग को हम कहते हैं पिफिक। ठीक है, पिफिक, PIFIC, पिफिक शिखर सम्मेलन, और पिफिक का फुल फॉर्म है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन। ठीक है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन, और इसका आयोजन जो हुआ है ये 22 मई 2023 को हुआ है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी देश की राजधानी पोर्ट मोरसबी में इसका आयोजन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा सभी 14 प्रशांत द्वीपीय देशों को समुद्री एम्बुलेंस देने की घोषणा किया गया है। 14 प्रशांत द्वीपीय देश हैं, उनके नाम याद रखिए। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो कुक आइलैंड है, फिजी देश है, ठीक है, किरिबाती है, मार्शल आइलैंड है, माइक्रोनेशिया है, नौरू है, नीयू है, पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनी है, समोवा है, सोलोमन द्वीप है, टोंगा है, तुबालू है, वानुअतु है। तो ये जो है 14 प्रशांत द्वीप देश हैं जिसमें इसका तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है, पिफिक शिखर सम्मेलन, और इसमें जो है समुद्री एम्बुलेंस देने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। भारत ने इस साल पापुआ न्यू गिनी में जयपुर फूड कैंप आयोजित करने का भी फैसला किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूपी में मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 को कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य किया गया है, तय किया गया है? तो टोटल 6,458 खेल के मैदान को बनाने के लिए जो है लक्ष्य तय किया गया है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इसका फुल फॉर्म है, और नरेगा की शुरुआत किया गया था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, और इसी का नाम बदलकर नरेगा का 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया था, और शुरुआत किया गया था कहाँ से, आंध्र प्रदेश की बांदावली जिले के अनंतपुर गाँव से शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है जापान में, आंसर हो जाएगा सीपा। ठीक है, हाल ही में अभी जापान दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक महात्मा गांधी का जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, कब गए थे, तो 20 मई 2023 को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के हिरोशिमा में जी सेवन शिखर सम्मेलन के पहले जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ जो है द्विपक्षीय बैठक किया, और इस दौरान अर्थव्यवस्था, संस्कृति, व्यापार और भारत प्रशांत सहयोग के भारत जापान मित्रता को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। G7 और G20 प्रेसिडेंसी और ग्लोबल साउथ की आवाज़ के भी तालमेल के प्रयासों पर भी जोर दिया, और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर मित्रता और शांति के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा में, कहाँ पर यह अनावरण हुआ, तो हिरोशिमा में हिरोशिमा के मतलब जापान के हिरोशिमा में जो है प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया।
तो ये हो गया इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। और जी सेवन की अगर हम बात करें तो इसमें भारत को मेहमान देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। जी सेवन का ये 49वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था 19 से 21 मई 2023 को हिरोशिमा में, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जो है शामिल हुए जी सेवन में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिरोशिमा में जो है पीस मेमोरियल पार्क में महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर? पीस मेमोरियल पार्क, ये भी याद रखिएगा। जी सेवन में कौन कौन से देश हैं? तो जी सेवन में देशों की संख्या है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और कनाडा। तो इस बार जी सेवन का जो है मेज़बानी कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। तो वहीं पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, वहीं पर जो है हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में प्रधानमंत्री ने जो है महात्मा गांधी के जो है प्रतिमा का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। आंसर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ए पार्ट से, ठीक है। कब हुआ है ये? 19 मई 2023 को, 19 मई 2023 को आयोजन इसका किया गया है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ सकते हैं, 19 मई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की। भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि CPMA ने इस 41वें संस्करण की मेज़बानी की। और इस आयोजन का विषय क्या था? एक सतत भविष्य में प्रवेश, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। थीम जरूर याद रखिएगा, विषय माने थीम। सम्मेलन में 7 सदस्य देशों के 1200 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ साथ यूरोप, चीन, अमेरिका, मध्य पूर्व और अन्य एशियाई देशों और वैश्विक भागीदारियों ने जो है प्रतिभागियों ने भाग लिया। मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारतीय रसायन निर्माण उद्योग वास्तव में पेट्रोकेमिकल्स के लिए उभरते हुए वैश्विक विनिर्माण हब में से एक रहा है। भारत रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में दुनिया में एक विश्वसनीय भागीदार देश बनने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत और दुनिया भर में विकास, व्यापार, निवेश और स्थिरता संबंधित उद्योग और उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों पर चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना है। तात्पर्य कि सम्मेलन 7 सदस्य देशों जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान और भारत द्वारा रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाता है। यह एशिया में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है जो उद्योगों के पेशेवरों, विशेषज्ञों, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक जो है बनाया गया है? तो उनका नाम है देवेंद्र सिंह चौहान। देवेंद्र सिंह चौहान को भी हाल ही में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो है निदेशक बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, देवेंद्र सिंह चौहान, ठीक है। अगला है, हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का जो है 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें न केवल ये नागरिकों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों हेतु एक एकीकृत समावेशी संस्थागत वैश्विक प्रक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा की गई तथा भारत की पारंपरिक जो है स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें तनाव एवं जीवन शैली संबंधी कई बीमारियों पर जो है उपचार शामिल हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन में कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के अन्य हितधारकों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य मूल आधारित जो है स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग एवं साझेदारी को बढ़ावा देना है। और इस आयोजन का उद्देश्य मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के निर्यातक के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना तथा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा एवं देखभाल हेतु भारत के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हंगरी के साथ किया है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बैठक कहाँ हुई थी ये? तो नई दिल्ली में पहली बैठक हुई थी, ठीक है। हंगरी के बारे में याद रखिए, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, मुद्रा है
फोरिंट, ठीक है, हंगेरियन फोरिंट इसका मुद्रा का नाम है। इस समय वर्तमान में हंगरी के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरेबान। कौन है? विक्टर ओरेबान, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 मेगा क्लीनअप अभियान का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। G20 मेगा बीच क्लीनअप अभियान ये 21 मई 2023 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंबई के जुहू बीच में G20 मेगा बीच क्लीनअप अभियान में भाग लिया। और G20 मेगा बीच क्लीनअप अभियान एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के मुद्दे का जो है समाधान करना और समुद्र तटों की स्वच्छता और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस इवेंट का उद्देश्य पर्यावरण पर समुद्री कचरे के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसे रोकने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना है। अभियान पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सामूहिक कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर देता है। जुहू बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और एक महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र है जो कचरे और कूड़े के कारण होने वाले प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरणीय चुनौती को कम करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजन में 20 देशों की उत्साहपूर्ण भागीदारी भी देखी गई। अगला क्वेश्चन है, 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने का अभियान का नाम क्या है? तो म्यांमार में मोचा क्या है? तो मोचा एक तूफान आया, ठीक है, चक्रवात है जो कि म्यांमार में प्रभावित हुआ। तो इसको म्यांमार के लोगों के लिए प्रभावित लोगों के लिए जो है मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया, उसका नाम क्या है? तो ऑपरेशन करुणा, ठीक है, ऑपरेशन करुणा याद रखिएगा। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 18 मई को जो है भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा के तहत जो है सहायता भेजी। राहत सामग्री लेकर भारत से 3 जहाज 18 मई को यांगून पहुंचे। भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, कामोर्ता और सावित्री 18 मई को राहत सामग्री के साथ यांगून पहुंचने वाले पहले नौसेना जहाज थे। जहाज आपातकालीन खाद्य सामग्री, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े, स्वच्छता की वस्तुएं आदि लेकर गए हैं। भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत ऐसी आपदाओं के दौरान आने वाले अपने पड़ोसियों को जो है सहायता प्रदान करने में हमेशा आगे रहा है। चक्रवात मोचा, जिसने हाल ही में म्यांमार में तबाही मचाई है, को IMD द्वारा अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे वैश्विक मौसम वेबसाइट जूम अर्थ के द्वारा सुपर साइक्लोन के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। गौरतलब है कि मोचा तूफान के नाम का सुझाव जो है यमन द्वारा दिया गया, तो ये याद रखिएगा। और मोचा की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो बंगाल की खाड़ी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, मोचा तूफान का नाम जो है यमन ने दिया है, यमन देश के द्वारा। और कहाँ पर इसकी उत्पन्न हुआ था? तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के सौम्या मिश्रा के निर्देशन में मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये टोरंटो में किया गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। टोरंटो कहाँ पड़ता है? तो टोरंटो जो है कनाडा में। मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा 2 मई 2023 को उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में कनाडा के शहर टोरंटो में पहली बार मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 2 साल से लेकर 65 साल तक के प्रतिभागियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम एक गाथा की प्रस्तुति दी। इसमें 80 स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख था। इस कार्यक्रम में भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 40 प्रकार के मिलेट मिस मोटे अनाज को कहा जाता है से बने पारंपरिक व्यंजन भी शामिल थे, ठीक है। इस दौरान मिलेट रेसिपी बुक का डिजिटल अनावरण हुआ, ठीक है। और इस किताब में होम कुक्स की 34 व्यंजन विधियाँ शामिल हैं जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिल्स हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना, ठीक है। इस पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक का नाम क्या है? कस्तूरी रे ने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर एक किताब लिखा हुआ है, उसका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उसका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन ध्वस्त किस एजेंसी द्वारा चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है? तो ऑपरेशन ध्वस्त ये चलाया गया है NIA के द्वारा। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ठीक है। NIA का ऑपरेशन ध्वस्त जो चलाया गया, ये जो है हाल ही में जो है NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच
जांच एजेंसी का फुल फॉर्म है। ये आतंकवादी, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को लक्षित करते हुए ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत NIA ने कई राज्यों में 129 स्थानों पर छापे मारे। ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादी और लक्षित हत्याओं में शामिल अन्य कुख्यात गैंगस्टर, खालिस्तान समर्थक संगठनों के आतंक, वित्त पोषण और जबरन वसूली और ड्रग्स हथियारों की तस्करी के लिए आतंकवादी गठजोड़ को तोड़ना था। NIA आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित एक संघीय एजेंसी है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और पूरे देश को प्रभावित करने वाले मामलों पर इसका अधिकार क्षेत्र है। NIA का गठन वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया था और यह जाँच जो है राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत जो है काम करती है। एजेंसी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा और अधिक सशक्त बनाया गया था। NIA राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से आतंकवाद से संबंधित मामलों को अपने विचार में लेने के लिए अधिकृत है और यह राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति के बिना जो है राज्य की सीमाओं के मामले की जाँच कर सकती है। इसके कार्यों में आतंकवाद एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर खुफिया जानकारी एकत्र करना, विश्लेषण करना और उसका प्रसार करना है। भारत के अंदर और बाहर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करना, NIA विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाना शामिल है। इसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत जो आरोपी व्यक्तियों के मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के मध्य नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये जो 2023 में हुआ है, मई 2023 में चौथा संस्करण था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिए। इसका राजधानी जकार्ता है, इसका मुद्रा का नाम रुपया, इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो INS कवारत्ती और भारतीय नौसेना डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान चेतक हेलीकॉप्टर ने भाग लिया था। इस अन्य नौसैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति का अभ्यास भी होता है। इंडोनेशिया के बाटम शहर में यह अभ्यास जो है आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया 75 एयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मेक इन इंडिया 75 एयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक का नाम है अमिताभ कांत। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, इनकी अन्य पुस्तकों में है ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इसके इनकी दूसरी तीसरी पुस्तक है, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा शहर में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को अपनी संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ये मंदिर प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर कपिल प्रसाद क्षेत्र में स्थित है। यह सदियों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल रहा है। कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल करने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हालिया फैसला एक महत्वपूर्ण जो है मील का पत्थर है। गौरतलब है, कपिलेश्वर मंदिर का 5वीं शताब्दी का एक समृद्ध इतिहास है। 14वीं शताब्दी में गजपति कपिलेंद्र देव एक प्रमुख शासक थे। उन्होंने मंदिर की भव्यता को बढ़ाते हुए इसका जीर्णोद्धार कराया था। मंदिर के उत्कृष्ट नक्काशी और आश्चर्यजनक वास्तुकला प्राचीन कलिंग शैली की एक उपयसीयत नाम है। कपिलेश्वर मंदिर अपनी लुभावनी नक्काशी और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह अनूठी कलिंग शैली का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी भव्यता और सादगी के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एयरस दिवस 18 मई दिया जो कि गलत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, तो सी पार्ट इसमें सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय एयरस दिवस जो मनाया जाता है वो 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 29 मई को, तो यही आपका गलत कथन हो जाएगा, बाकी सारे सही। अब मई महीना के जो दो मंथली हैं वो देख लेते हैं। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। ठीक है, 4 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस, 7 मई को मनाते हैं विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस, 2 दिवस 8 मई को मनाते हैं, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इम्पॉर्टेंट है और विजय दिवस रूस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, विश्व परिवार दिवस 15 मई को, विश्व दूर संचार दिवस जो मनाया जाए 17 मई को, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को ही मनाया जाता है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ये 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये मनाया जाता है 18 मई को, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं, 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, 28 मई को जो है वैश्विक मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाते हैं, 29 मई को ही संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए, तो टोटल 37 वीरता पुरस्कार जो है दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। और इसमें 8 कीर्ति चक्र दिया गया है, 5 मरणोपरांत है इनमें, और 19 जो है शौर्य चक्र प्रदान किया गया, उसमें भी 5 मरणोपरांत दिया गया। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिल्म पुरस्कार विजेताओं की सूची 2023 वाला जान लीजिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है वो गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को प्रदान किया गया है बधाई दो के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली को दिया गया काठियावाड़ी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रेम चोपड़ा को, इस बात में भी याद रखिएगा 2023 का। अगला प्रश्न, हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार उत्तर प्रदेश किस जिले से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं मेरठ जिले से, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेरठ जिला, ठीक है। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, तो ये विराट कोहली के नाम है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 21 मई 2023 को रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। कोहली ने आईपीएल 2023 में खेले गए अंतिम लीग मैच में यह मुकाम हासिल किया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए एक मैच में विराट ने अपने आईपीएल का 7वां शतक जड़ते हुए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गेल के नाम 6 आईपीएल शतक दर्ज हैं। इसके अलावा विराट कोहली आईपीएल इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इस मैच से पहले उन्होंने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एक मैच में 63 गेंदों में जो है 100 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 12 चौके 4 छक्के लगाए थे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं इसमें टॉप 3 प्लेयर, ठीक है, आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में देख लेंगे 2008 से 2023 तक। पहले नंबर पर विराट कोहली आते हैं 7 शतक, दूसरे नंबर पर क्रिस गेल आते हैं 6 शतक, तीसरे पर आते हैं जोस बटलर 5 शतक, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहली बार जो है नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो नीरज चोपड़ा है भारतीय, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 मई 2023 को टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में पहली बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल की, उनके करियर का एक प्रमुख मील का पत्थर है। नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स से 22 अंक शीर्ष पर हैं। 30 अगस्त 2022 को चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुंच गए थे, लेकिन तब से मौजूदा विश्व चैंपियंस पीटर उनसे आगे थे। 2022 में नीरज ने सितंबर में ज्यूरिख में डायमंड लीग 2022 का फाइनल जीता, जिससे वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता चेक गणराज्य के जैकब वर्डलेच 1416 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। पुरुषों की भाला फेंक में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ने 5 मई को सीजन ओपनिंग दोहा डायमंड लीग में भाग लिया और 88.67 मीटर की थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। एंडरसन पीटर्स दोहा में 85.88 मीटर दूरी के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। पुरुषों की भाला में शीर्ष 5 खिलाड़ियों की बात करें तो पहले स्थान पर नीरज चोपड़ा भारत से, दूसरे स्थान पर एंडरसन पीटर्स हैं ग्रेनेडा के दूसरे स्थान पर, ठीक है। तीसरे स्थान पर जैकब वर्डलेच हैं चेक राज्य के तीसरे स्थान पर, चौथे पर जूलियन वेबर हैं जर्मनी के चौथे स्थान पर, और फिर हैं अरशद नदीम पाकिस्तान के 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में देश की पहली नाइट सफारी बनाने की अनुमति पत्र केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जारी कर दिया, तो ये लखनऊ में बनेगा, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में आयोजित इटालियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब कौन विजेता कौन बना है, तो उनका नाम है डेनियल मेदवेदेव, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है।
इटालियन ओपन 2023 का खिताब की बात करेंगे तो विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव जो कि रूसी खिलाड़ी हैं, और उप विजेता हैं होलगर रूड जो कि डेनिश खिलाड़ी हैं। मई 2023 में भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन हैं? तो प्रणीत उपला हैं, ठीक है। प्रणीत उपला जो हैं ये भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी हो गए। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रणीत ने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हांस नीमन को मात देकर 22वें ग्रैंड मास्टर बन गए। प्रणीत तेलंगाना राज्य के 6वें ग्रैंड मास्टर हैं। मई 2023 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया में। आंसर हो जाएगा इसका यह ऑप्शन दक्षिण कोरिया में, ठीक है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में अगर हम भारत की बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था 8 मई 2023 को, जिंजू शहर है दक्षिण कोरिया में, वहाँ पे। पदक विजेता का बात करेंगे भारत की तरफ से तो बिंदिया रानी देवी ने 2 रजत पदक जीता है, और लाल रिंगुना रेनुंगा जो है 1 रजत पदक इन्होंने पुरुषों की श्रेणी में जीता है, और बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं की श्रेणी में 2 रजत पदक जीता है, ठीक है। मई 2023 में नेपाल का वह पर्वतारोही जिसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो उनका नाम क्या है? कामी रीता शेरपा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कामी रीता शेरपा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जीआई टैग उत्पादों के मामलों में देश में किस स्थान पर आ गया? तो उत्तर प्रदेश अब आ गया है दूसरे स्थान पर। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर कैसे आया, तो 15 मई 2023 को 3 और ODOP शिल्पों के तहत, यानी वन जिला और वन उत्पाद के तहत जो है शिल्पों को GI टैग प्रदान किया गया, 3 और शिल्पों को, जिसके तहत जो है उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा स्थान आ गया, ठीक है। तीन उनका नाम याद रखिएगा जो भी हाल फिलहाल में हुआ है, मैनपुरी का तारकासी, महोबा का गौरा स्टोन क्राफ्ट, संभल का हॉर्न क्राफ्ट। तो ये तीनों को जो है GI टैग प्रदान कर दिया गया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश का स्थान अब दूसरा स्थान हो गया, ठीक है। टोटल 48 GI टैग प्रदान हो चुका है उत्तर प्रदेश में। पहले स्थान पर तमिलनाडु है 55 GI टैग के साथ, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है 46 GI टैग के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को किन दो देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो पिफिक सम्मेलन का जो तीसरा संस्करण था उसमें गए थे, तो वहाँ पर फिजी और पापुआ न्यू गिनी दो देशों के द्वारा जो है सम्मानित से सम्मानित किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिजी के राष्ट्रपति रात विलियम मेविलिली, ठीक है, काटो निविरे प्रधानमंत्री राबुका ने जो है फिजी का सर्वोच्च सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी CAF से सम्मानित किया, और पापुआ न्यूगिनी के गवर्नर जनरल सर बाब डॉडे ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहो CGCL से सम्मानित किया है। तो ये दोनों देश के द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद तो ये बर्लिन में हुआ है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, बर्लिन। मेजबानी जो है ये जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया जा रहा है, और यही जो है COP28 का भी मेजबानी कर रहा है इस बार का। तो आंसर इस तरीके से हो जाएगा इसका बी पार्ट, बर्लिन जर्मनी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह श्रीनगर में हुआ है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रीनगर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, 22 से 24 मई 2023 तक जो है G20 का जो है पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, उन्होंने केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय संस्कृत पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री किशन रेड्डी और केंद्रीय पर्यटन राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट की उपस्थिति में SKICC श्रीनगर में पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक का उद्घाटन किया। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो है उद्घाटन समारोह में G20 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के लिए दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों से कम 60 प्रतिनिधि सहित 20 पत्रकार जो है उपस्थित हुए। समूह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद श्रीनगर में पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ है जिनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो
ये खोजा गया है मिजोरम राज्य में। सर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी का नाम याद रखिएगा आइजोल, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जोरम थंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया, ठीक है, त्रिपुरा पर्यटन, तो सौरभ गांगुली को नामित किया गया है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सौरभ गांगुली, ठीक है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी जान लीजिएगा, ठीक है। तो राजधानी अगरतला है, सीएम है मणिक साहा, ठीक है, इस समय वर्तमान में, और गवर्नर वहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो ये याद रखिएगा त्रिपुरा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 10 100 पीपल, ठीक है, 100 डेज 100 पेज, मतलब 100 डेज 100 पेज अभियान की संस्था के द्वारा शुरुआत करने की घोषणा किया गया है। तो ये जो है 100 डेज 100 पेज जो है ये RBI के द्वारा शुरुआत किया गया, ठीक है। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। और इंडिया का जो है केंद्रीय बैंक है, मुख्यालय इसका याद रखिएगा, मुख्यालय जो पड़ता है वो मुख्यालय जो पड़ता है मुंबई में पड़ता है। और गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, और के केंद्रीय बैंक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों की मैराथन में जीतने वाले सूची में किस स्थान पर है, ठीक है। भारत का रैंक इसमें बताना है कि कितना स्थान है, तो भारत इसमें 161वां रैंक आया है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की बात करें तो टोटल 180 देश इसमें शामिल हुए थे, और भारत का रैंक 161वां है। फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे था, सेकंड रैंक पर आयरलैंड, और 180वां रैंक जो था वो उत्तर कोरिया का रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संविधान संशोधन जनमत संग्रह रेफरेंडम करवाया गया, तो ये करवाया गया है उरुग्वे का, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट उरुग्वे का। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो, इसका नाम है राजधानी का, मुद्रा का नाम है पीसो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपनी नवीनतम बिलीव एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया है, तो ऋषभ पंत को नियुक्त किया है, आंसर डी पार्ट करेक्ट है, ऋषभ पंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा पुष्करालू उत्सव हाल में जो किस राज्य में आयोजित किया गया, गंगा पुष्करालू उत्सव जो है ये उत्तराखंड में होता है, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला केबल स्टेट पुल रेल पुल जो है अंजी खड्ड पुल किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है ठीक है पंजाब राज्य में, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2023 को 63वां स्थापना दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया गया है, अपना 63वां स्थापना दिवस किस राज्य में मनाया है 1 मई 2023 को, तो यह महाराष्ट्र और गोवा के द्वारा मनाया गया, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए हाल ही में एकता हार्बर का निर्माण किस देश ने शुरू किया है, तो भारत के द्वारा शुरुआत किया गया है, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन भारत, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में लिथियम के एक और भंडार की खोज की है, तो जम्मू कश्मीर के बाद हाल ही में लिथियम के एक भंडार की और खोज किया गया है, ये राजस्थान में खोज किया गया है, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान पर मध्य प्रदेश, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे राज्य का स्थान आया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, और चौथे में आया है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड मामले में विश्व में सर्वाधिक जो है कतर में आता है सबसे ज़्यादा स्पीड, तो आंसर ए ऑप्शन हो जाए कतर। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की मंजूरी दिया है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की बात करें तो इसका युवा कौशल कमाई योजना भी नाम है, और ये 17 मई 2023 को शुरुआत किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंडा याकारिनो हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया की नई CEO नियुक्त की हुई है, तो लिंडा याकारिनो जो है ये बनी है ट्विटर की नई CEO, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्विटर, ठीक है। ट्विटर के फाउंडेशन बात करें, फाउंडेड हुआ था तो 21 मार्च 2005 को स्थापना किया गया था ट्विटर का,
और हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, तो ये था टॉप 50 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।